इस फिल्म को हेमा मालिनी ने बनाया है शी इज द प्रोड्यूसर एंड द द डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड स्टार्स हर डॉटर ईशा दियोल विद धर्मेंद्र विनोद खन्ना ऋषि कपूर एंड अर्जुन बाजवा यह कहानी है एक लड़की की जो कामयाब है सक्सेसफुल लड़की लेकिन उन्हें खोज है अपने पिता की शी ड नो हू हर रियल फादर इज एंड इस खोज की वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है टर्की और इंडिया में गोवा और राजस्थान भी जाना पड़ता है और वहां उनकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है तो क्या अंत में ईशा देओल को अपने पिता मिलते हैं या नहीं दैट्स वॉट टेलमी ओ खुदा इज ऑल अबाउट इस फिल्म के बनने में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं हेमा मालिनी के द बजट इज सेट टू बी अप्रॉक्सिमेटली थर्टी टू थर्टी टू करोड़ ऑफ रुपीज जी हां इस फिल्म को बनाने में प्रमोट करने में और रिलीज करने में तीस से बत्तीस करोड़ रुपए लग गए हैं एंड इट डेफिनेटली स्टैंड अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम रावण बिकॉज द फर्स्ट चॉइस ऑन दिवाली इज डेफिनेटली गोइंग टू बी रावण बट हेमा मालिनी के भी बहुत फैंस हैं लाखों करोड़ों फैंस हैं एंड देखते हैं कि उनके फैंस उनके फिल्म को कितना सपोर्ट करते हैं वर्ड ऑफ माउथ अगर पॉजिटिव हो तो फिर 25 30 32 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है दैट कैन ऑल्सो भी रिकवर्ड एंड द फिल्म कैन ऑल्सो फेच प्रॉफिट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द पब्लिक टेक्स टू दैट फिल्म की तीसरी रिलीज दमादम दिस वन स्टार्स हिमेश रेशमिया एंड लाइक टेल मी ओ खुदा ये भी थर्सडे को रिलीज होगी यानी ट्वेंटी अक्टूबर को ना कि लाइक रावण ऑन ट्वेंटी और वेन्सडे और इस फिल्म की डायरेक्टर है स्वप्ना वाघमारे हिमेश रेशमिया यानी समीर उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही है बहुत अच्छी चल रही है उनके पास अच्छी नौकरी है एक गर्लफ्रेंड भी है अच्छी गर्लफ्रेंड है समझदार है मगर शी इज वेरी ओवर पोजेसिव एंड शी इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग हिम ये क्यों किया कहां जा रहे हो कहां आ रहे हो किससे बात की उस लड़की को इतने स्माइल क्यों दी उससे हाथ क्यों मिलाया यू नो दीज थिंग्स एंड नेचुरली दे गेट टू हिम एंड अब एक नई प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है हिमेश रेशमिया के जो बॉस है उनकी सिस्टर उसी ऑफिस में काम करने आती है और उस सिस्टर से इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है सो नाउ ही स्टोन बिटवीन दीज टू गर्ल्स एक तो उनकी गर्लफ्रेंड है दूसरी बॉस की सिस्टर है और वो बॉस को बोल भी देते हैं कि जी हां मैं आपकी सिस्टर से शादी करूंगा तो अंत में क्या होता है डज ही रिटर्न टू हिज फर्स्ट लव और डज ही सेटल फॉर समबडी हु इज नॉट एज नैगिंग और नॉट एज ओवर प्रोटेक्टिव ओवर पोजेसिव लाइक हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड दैट्स वॉट दमादम इज ऑल अबाउट And दमादम में संगीत भी हिमेश रेशमिया का ही है इस फिल्म का बजट बजट टू मेक एंड प्रमोट द फिल्म इज अप्रॉक्सिमेटली नाइन टू टेन करोड़ ऑफ रुपीज लाइक मी ओ खुदा दिस फिल्म विल ऑल्सो हैव टू कंटेंड विद द ऑपोजिशन ऑफ रावण और आप सब जानते हैं रावण इज डेफिनेटली द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ऑडियंस तो देखते हैं दमादम को माउथ पब्लिसिटी कितना हेल्प करती है रावण के कारण इन दोनों फिल्मों को शोज भी बहुत कम मिले हैं बिकॉज हर मल्टीप्लेक्स की फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली रावण है एंड व्हाट्स मोर रावण इज बीन रिलीज इन टू वर्जन टू डी एंड थ्री डी इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज रावण को मिले हैं यह कहना गलत नहीं होगा कि रावण के शोज हर मल्टीप्लेक्स में करीब 90% परसेंट ऑफ द शोज आर अलॉटेड टू रावण और बाकी दस परसेंट में टेलमी ओ खुदा और दमादम को अकोमोडेट किया गया है actually we wonder why these two films have come in opposition of this one film which is such an eagerly awaited film because the first choice of the audience is bound to be ravan अगर ये कोई दूसरे हफ्ते में आते प्रॉबेबली दे वुड नॉट हैव टू फेस सच स्टिफ कंपटीशन बट ऑफकोर्स इन दो प्रोड्यूसर्स का यही सोचना हुआ होगा कि रावण तो है बट दिवाली के माहौल में लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं इसलिए रावण के बाद भी अगर इनकी फिल्म देख लें तो भी बात बन जाती है दैट कुड हैव बीन द रीजन वाई दे ऑप्टेड फॉर कमिंग इन डायरेक्ट ऑपोजिशन ऑफ रावण बट ड्यूरिंग द दिवाली भी और क्योंकि इस हफ्ते तीनों फिल्में मिड वीक लग रही है फ्राइडे की जगह एक फिल्म वेन्सडे को लग रही है दो फिल्में थर्सडे को लग रही है यानी रावण का वीकेंड पांच दिनों का होगा वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जस्ट लाइक इन रीसेंट टाइम्स बॉडीगार्ड का पांच दिनों का वीकेंड हुआ था इस फिल्म का भी पांच दिनों का वीकेंड होगा और पूरा सप्ताह नौ दिनों का होगा इट विल बी डे वीक फॉर रावण एंड लाइक रास्कल्स रास्कल्स भी थर्सडे को रिलीज हुई थी रास्कल्स का का वीकेंड चार दिनों का था तो इस बार टेल मी ओ खुदा और दमादम का भी चार दिनों का वीकेंड होगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड आठ दिनों का वीक होगा तो देखते हैं ये नौ डे वीकेंड एंड एट डे वीकेंड इन तीनों फिल्मों के लिए कितना भाग्यशाली साबित होता है ओनली टाइम विल टेल